अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह का अमेजिंग लोगो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब तो हम यहाँ न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करके यहाँ हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इमेज साइज़ पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके इसको हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करके फिर यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ शेप पे क्लिक करके यहाँ पर हम स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। स्क्वायर पे क्लिक करके यहाँ से हम सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका कलर जो हम ब्लैक करेंगे, इसका कलर ब्लैक करके इसको बड़ा करेंगे। इसको यहाँ सेंटर पर रखें। अब दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ अब हम शेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ शेप पे क्लिक करके अब हम यहाँ सर्कल पे क्लिक करेंगे। सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ हम इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। सही है, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके। यहाँ लेयर पे क्लिक करके इसको मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करके ओके पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके इरेज कलर पे क्लिक करेंगे। तो इनेबल करके यहाँ टिक करेंगे। सही है, और टॉलरेंस जो है तकरीबन रखेंगे 14। इसको यहाँ टिक करके फिर इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। इसकी एक और कॉपी बनाकर इसको यहाँ से घुमाएंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एडजस्ट करके फिर यहाँ इनके कलर को चेंज करेंगे। सही है, कलर पे क्लिक करके तो इनेबल करेंगे और कलर चेंज करके फिर दूसरे पे क्लिक करके इसका भी कलर चेंज करेंगे। सही है, तो कलर चेंज करके यहाँ टिक करेंगे। अब हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ डबल टैप करेंगे। डबल टैप करके यहाँ पर अब हम यस लिख कर इसको यहाँ पर अब हम ओके करेंगे। ओके करके फिर अब हम यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम चेंज करेंगे। सही है, तो फ़ॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर अब हम टिक करेंगे। टिक करके फिर यहाँ हम इसको सर्कल में एडजस्ट करेंगे। सही है, पहले इसके कलर को हम ब्लैक करेंगे। सही है, तो ब्लैक करके यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करके इसको हम यहाँ सर्कल में रखेंगे। सही है, सर्कल में रख कर अब इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। इसकी एक और कॉपी बनाकर फिर यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम शेप लेंगे। सही है, यहाँ से शेप लेकर अब इसको यहाँ पर नीचे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। सही है, और एडजस्ट करके फिर लेयर पे क्लिक करके अब इसको मर्ज करेंगे। सही है, तो यहाँ मर्ज करके ओके पे क्लिक करेंगे। सही है, फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करके इरेज कलर को इनेबल करेंगे। इसको टिक करके फिर यहाँ अब दोबारा शेप करेंगे। अब इस नीचे को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सेम ही तरीका है। सही है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके फिर इनको भी मर्ज करेंगे। यहाँ लेयर पे क्लिक करके अब इनको भी मर्ज करके यहाँ पर हम ओके करेंगे। फिर यहाँ स्क्रॉल करके नीचे यहाँ इरेज कलर पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। इसको यहाँ पर टॉलरेंस जो है हम तकरीबन रखेंगे 15। यहाँ पर टिक करेंगे। सही है, फिर इन दोनों का कलर चेंज करके इनको यहाँ पर हम लेयर पे क्लिक करेंगे। इन दोनों को मर्ज करेंगे। सही है, तो मर्ज करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करके अब इनको सर्कल में एडजस्ट करेंगे। सही है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके अब हम यहाँ न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको डबल टैप करके इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रीमस्केप। सही है, ड्रीमस्केप 555 लिखेंगे। ओके करके फिर यहाँ इसकी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करके इसको यहाँ पर अब हम ओके करेंगे। ओके करके फिर ब्रांडिंग पे क्लिक करेंगे। सही है, अब इसको यहाँ ब्रांड करेंगे। सही है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्रांड करके तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके तो हम यहाँ पर अब हम टिक करेंगे। इसको टिक करके इसका कलर भी हम चेंज करेंगे ड्रीम्स के 555 का। सही है, तो यहाँ इसका स्ट्रोक पे टिक करके इसको इनेबल करेंगे। इसका स्ट्रोक जो है हम तकरीबन 4 रख कर इसको टिक करेंगे। फिर हम इसका बैकग्राउंड सर चेंज करेंगे। सही, ग्राउंड चेंज करके यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। तो इस तरह हमारा लोगो जो है वो बन चुका है। यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। सही है, शेडो पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करके ब्लर रेडियस को 15 रखकर इसको टिक करेंगे। टिक करके इसको यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। इसको हम सेव करेंगे। सही है, शेयर के बटन पर क्लिक करके क्वालिटी पर क्लिक करेंगे। अल्ट्रा में इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इमेज लोगो जो है वो बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह पामान।